हाँ वही खंबे है ना। मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है मैडम। आप अच्छा अफजल सागर में शॉर्ट आ रहा है, पुल में शॉर्ट आ रहा बोल के कंप्लेंट आया था, तो पुल डालने के ऐसे गए थे तो इन्वर्टर का रिटर्न आ गया बच्चा। पूरा काम कंप्लीट हो गया था उसका, एक सर्विस वगैरह मिला रहा था उसका, रिटर्न आ गया इन्वर्टर का, रिटर्न आ गया तो ऊपर से गिरा तो तीन जने मिलकर नीचे पकड़ लिए उसको, वहाँ से दवाखाने को ले गया उसको। हाँ नामपल्ली दवाखाने, नामपल्ली दवाखाने को ले गए, वहाँ नहीं पकड़े, नामपल्ली दवाखाने को ले गए थे वहाँ नहीं पकड़े, तो उस माने को ले गया। नहीं घर यहाँ आए बाद भी चल रही थी हार्ट बीट, चल रही थी उसकी लाइट लाइट, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद हार्ट बीट बंद हो गई उसकी। और दो बेटियाँ हैं, एक बेटा है उसको। कितने साल से काम करते हो? 10-15 साल से करता हूँ। इन्हें बिहार का रहने वाला है, यहाँ जेबाबाग में रहता हूँ। अच्छा 10 साल से यहीं रहते? हाँ 10 साल से गुत्तेदार। हाँ 10 साल से यहीं रहता हूँ। हमारी गुजारिश, हाँ गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं उसे कुछ भी दिला, मुआवजा दे, कुछ भी दिला दो। तीन बच्चियाँ हैं, तीन बच्चियाँ बीवी बेवा हो गई, तीन बच्चियाँ हैं, एक बेटा है उसको, कुछ भी दिला दो। आज मल्लापल्ली डिवीजन में जो नफीस हॉस्पिटल के सामने एक पुल शिफ्टिंग का काम चल रहा था जो इलीगल तरीके से चल रहा था, मुझे MLA साहब को इत्तला मिली इसके, तो MLA साहब ने फौरन मुझे फ़ोन किया, उनकी हिदायत पे मैं यहाँ पर आया, देखा आए तक देखा तो क्या है, यहाँ पर विदाउट इन्फॉर्मेशन AE को नहीं मालूम, AD को नहीं मालूम, इलीगल तरीके से ये पुल शिफ्टिंग किया जा रहा था। गौस नामी शख्सियत जो ये काम लिया था, कर रहा था, उनका एक आदमी है सादिक नाम का, जो पुल पे चढ़ के काम कर रहा था, 28 साल का बच्चा है, वो शॉट लगने की वजह से नीचे गिरकर उसकी जान चली गई। तो हमारा मैं एरिया कॉर्पोरेटर यहाँ पर आया, अभी आवाम से मिला, मिलने के बाद आवाम यही बताई कि ये किसी का परमिशन नहीं मिला है इसको, विदाउट परमिशन ये काम किया जा रहा था, जबकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, डिपार्टमेंट के तरफ से इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ इमरजेंसी के लिए काम करना है डिपार्टमेंट को। ऐसे काम मेरे ही नहीं, कई जगह डिवीज़न में, हर डिवीज़न में ऐसे काम इलीगल काम चल रहे हैं। मेरी तरफ से मुतालिबा करता हूं कि ये इलीगल कामों को रोका जाए, जिसकी वजह से लोगों की जान का धोखा हो रहा है, इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई।